रसलपुर फीडर पर करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की हुई मौत, कर्मचारियों ने विद्युत विभाग को ठहराया दोषी। शटडाउन लेने के बाद भी विद्युत लाइन में चल रहा था करंट, मौत के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग उठी। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने किया विद्युत विभाग पर प्रदर्शन। रसूलपुर फीडर पर एक विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के लिए दो लाइनमैन पहुंचे, इनमें से एक लाइनमैन हेमराज की करंट से मौत हो गई। विद्युत फॉल्ट की सूचना पर दो लाइनमैन एक खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए पहुंचे थे। रविंद्र और हेमराज नाम के इन दो लाइनमैनों में से एक रविंद्र ने विभाग को फोन कर शटडाउन मांगा। शटडाउन की सूचना के बाद हेमराज विद्युत पोल पर चढ़ा, इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। लाइनमैन हेमराज को करंट लगने के बाद जैन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद भारतीय मजदूर संघ से जुड़े नेता भी अस्पताल पहुंचे। लड़का है हेमराज नाम गणेश, लाइनमैन है बिजली विभाग में, उसकी करंट आने से मृत्यु हो गई। रीजन कुछ पता है चला आपको? कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। क्या वहाँ पे कुछ काम कर रहा था या कोई? वहाँ कुछ काम कर रहा था और करंट आने से मृत्यु हो गई और बिजली विभाग कुछ संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। और परिवार में कुछ कौन है घर? परिवार में घर का मुखिया यही था, एक छोटा भाई है। बच्चे वगैरह हैं इनके? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ है इसकी, इसके फादर नहीं है, फादर ही लिए जॉब लगा था। हर जाने की कुछ बात मांग करेंगे? हर जाने की हमारी मांग है, पर अभी तक हमें ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसकी मृत्यु का कारण ही नहीं बता पा रहे हैं। कौन है जयन वगैरह, क्या कौन है नाम बताएं? जयन कोई राणावत जी हैं, पुष्पेंद्र राणावत। कुछ नहीं कह पाए अभी तक, कोई जवाब नहीं दे। आपका नाम? अमित बंसाली। करंट से मौत होने के बाद रसलपुरा क्षेत्र के सैकड़ों लोग पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों ने हेमराज की मौत को विभाग की लापरवाही बताते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विभाग की लापरवाही की वजह से एक विद्युत विभाग का कर्मचारी बोर्ड से गिरकर उसकी निधन हो गया। उसके परिवार में कमाने वाला, दो परिवारों में कमाने वाला वही था। आज उसके दिल में गाँव वालों की डिमांड है, आसपास के सभी रसूलपुरा सभी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, आंदोलनरत है कि उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के दो लोग। मैडम मुआवजा ये नहीं देगा, आप क्या करोगे? आगे की रणनीति बनाएंगे, जो भी गाँव वाले आंदोलनरत है, अगर कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो इसकी जवाबदेही बिजली विभाग के अधिकारियों की, हमने एम डी को सूचित कर दिया, एक्शन सूचित कर दिया, यहाँ ज्ञापन भी दे दिया। मैडम अभी आप किन से बात हुई आपसे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा? गाँव वालों की मांगे नहीं मानेंगे तो गाँव वाले कह रहे हैं। एम डी ने कुछ कहा आपको? एम डी क्या बात करते हैं मैडम, आप क्या करोगे आगे? घुगरा घाटी रसूलपुरा फीडर जो कि गढ़वाना से निकलता है वो संबंधित लाइनमैन हेमराज फीडर और रविंद्र सिंह दोनों की तस्वीर निकले। उन्होंने लगभग 8:25 पे एक बार शटडाउन लेके इसकी लाइन के किसी हिस्से को खोल के चेक किया और ठीक नहीं हुआ। इन्होंने दोबारा आगे जाके रसूलपुरा गाँव के किसी डीपी पे लाइन को अलग करने के लिए 9:45 पर शटडाउन लिया। पोल पे जैसा बताया हेमराज गुजर चढ़ा, डीपी पे चढ़ते उसको करंट आग गिर गया, उसको तुरंत एक आदमी टीका अस्पताल ले गया जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जाँच चलाई जा रही है, करंट कहाँ से आया और इस घटना का कारण क्या है, और फिलहाल जयन को निलंबित कर दिया। जयन पुष्पेंद्र सिंह को इस मामले में निलंबित कर दिया। सर आपका नाम? पत मुकेश ठाकुर, कार्यवाही।